तो दोस्तों कल लगभग इसी टाइम मतलब 7:30 के आसपास में मुझे और मेरी वाइफ को पता लगा जट के एक्सीडेंट के बारे में। तो हम लोग मतलब राइड कर रहे थे, राइड में मतलब किसी का मैसेज आया कि ऐसा हुआ है, कॉल भी आने लगे। तो हम लोग साइड में रुके, हमने देखा एंड वी गॉट शॉक्ड। एंड पहला काम मैंने किया, मैंने ट्राई किया कॉल करने का। ऑब्वियसली नेपाल में जट वाला जो नंबर है जो मेरे पास में है वो नहीं लग रहा था। आई ड्रॉप्ड सम मैसेजेस। उसके बाद जैसे जैसे न्यूज़ मिली सब कुछ क्लियर होता गया रात तक, और हम लोग बहुत वरीड थे, वी आर प्रेइंग अबाउट हिम। आज सुबह भी बहुत सारे न्यूज़ मैंने देखे, जैसे जैसे मैंने कोशिश करी कॉन्टैक्ट करने की, जो फेलो राइडर है उनसे मेरी बात भी हुई, उन्होंने सिचुएशन मुझे वहाँ की बताई। एंड एक ही चीज़ कहूँगा थ्रू आउट, मतलब मैं फॉलोअप ले रहा हूँ, मेरा कंसर्न है, मैं प्रे कर रहा हूँ, आप लोग भी करो। इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे जो फेक न्यूज़ है उसको मत फैलाओ। बहुत लोग क्या कर रहे हैं, थंबनेल बना रहे हैं मैनिपुलेटेड से, टाइटल लिख रहे हैं कि उनको थोड़े से व्यूज मिल जाएंगे, बट सोचो यार लोगों पे क्या बीत रही है, फैमिली पे या जो लोग उसको प्यार करते हैं। दोस्तों आपको जैसे पता चला है जट प्रभजोत भाई का एक्सीडेंट हो गया, तो भाई सब दुआ करना कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और उनकी जो वीडियो हमारे सामने जल्दी से जल्दी आ जाए। बस वो ज़्यादा नहीं कहना चाहता मैं, क्योंकि वो भी हमारी तरह अब ब्लॉगर हैं।